So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था प्यूमेंस साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि जब यहाँ ये लोग आरोह रोप करने आते हैं तो साक्षी तोड़ के नीचे आ जाती है। जो भी उसे कहती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाँ और हाँ डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था तो कुछ दिन रेस्ट करो और कॉलेज कुछ दिन के लिए स्किप कर देना। जिस पर भी बोलती नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं कॉलेज बिल्कुल स्किप नहीं करने वाली और वैसे भी मैं जानती हूँ आप क्यों चाहते हो कि मैं कॉलेज स्किप करूँ। जिस पर साक्षी बोलती क्यों चाहती हूँ मैं, तो क्यों मन ही मन सोचती है हाँ तो इसलिए चाहती हूँ ना ताकि आप मुझसे ज़्यादा मार्क्स ले लो, पर मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगी। वेल यहाँ पीहू और अरविंद जो है वो थोड़ी देर के बाद घर आ जाते हैं। यहाँ साक्षी रोही के रूम में बैठी एक डायरी पढ़ रही थी और उसे पढ़ते हुए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी कि तभी वहाँ पे आ जाती है रोही जो कहती अरे वाह साक्षी तुम्हें कब से डायरी लिखने का शौक है, मुझे बताया कि नहीं तो ना मुझे भी तुम्हारी डायरी पढ़नी है। साक्षी मना करती है पर रोही ज़बरदस्ती साक्षी के हाथ से उसकी डायरी लेने लगती है, जिस पर साक्षी बहुत गुस्से से रोही को घूरती है और रोही साक्षी की आंखों में गुस्सा देख के समझ आती है कि बाप रे बाप ये डेंजर जोन है, मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। यहाँ आरोही अपनी जान बचाने के लिए रूम से ही बाहर चली जाती है। साक्षी उस डायरी को सीने से लगा के काफ़ी देर रोती रहती है। मानो ये डायरी साक्षी के दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, पर उस डायरी में क्या था ये तो हमें आगे ही जाके पता चलेगा। वहाँ दूसरी तरफ भी हो घर आके साक्षी के बारे में सोचती है, जो साक्षी ने उसे गाड़ी में कहा था कि तुम अपना ख्याल रखो कॉलेज स्किप कर दो। पीहू कहती तुम तो चाहती ही है ना कि मैं कॉलेज स्किप करूँ, कॉलेज नहीं जाऊँ, लेक्चर्स ना लूँ ताकि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओ और मुझसे ज़्यादा मार्क्स ले जाओ। पर नो साक्षी मैडम, तुम्हारे ये प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दूँगी, अपने कॉलेज की टॉपर मैं थी और मैं ही रहूँगी। यहाँ पीहू की थोड़ी तबीयत ख़राब थी पर फिर भी वो पढ़ाई करने बैठ जाती है। यहाँ थोड़ी देर में अरविंद रूम में आता जो पीहू को देख के कहता है तुम पढ़ाई कर रही हो क्या, और काम नहीं है क्या तुम्हें, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो किताबों में घुसी रहती हो। पीहू किताब तुरंत बंद कर देते और खड़े हो जाते कहते भाई आपको कुछ चाहिए था। जिस पर बोलता है नहीं सो जाओ तो चुपचाप, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा। यहाँ पीहू अपने भाई के डर से आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। जब पीहू सो जाती है तो उसे हल्का हल्का सा फील होता है कि कोई उसके पास बैठ के रो रहा है। तभी पीहू की आंख खुल जाती है। पीहू अपने रूम में अच्छे से देखते हैं, उसके रूम में कोई भी नहीं था। पीहू को लगता है कि इसकी गलत फहमी है, पर तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पीहू के दोनों भाई यानी कि राउडी नंबर वन और राउडी नंबर टू पीहू के बेड के नीचे छुपे हुए थे। एक्सेल जब पीहू सो रही थी तो वो दोनों पीहू की चिंता में उसके पास बैठे थे और रो भी रहे थे, थोड़ा सा सेंटी हो गए थे कि हमारी बहन बीमार है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो राउडी बनते तो हैं, हमेशा पीहू पर गुस्सा करते रहते हैं, पीहू उनसे काफ़ी डरती है, पर एक्चुअली में पीहू के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और क्यों ना हो यार, भाई की जैसे बहनों की जान भाइयों में होती है वैसे भाइयों की जान भी बहनों में ही होती है। हाँ वो अलग बात है भाई कभी जताते नहीं है, पीहू के भाई भी शायद ऐसे ही थे। वेल अब वो पीहू को थोड़ा प्यार करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पीहू अगले दिन कॉलेज के लिए रेडी होती है। वो अपने राउडी नंबर टू भाई को बोलती है कि मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो, जिस पे वो बोलते हैं अरविंद भाई ने मुझे मना किया है कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी इसलिए मैं तो तुम्हें कहीं ड्रॉप करने नहीं जाने वाला, और अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रह के रेस्ट करो, वैसे भी तो तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट बोला। जिस पे पीहू बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, मुझे अम्मा जी के साथ जाना पड़ेगा रिक्शे पे थक्के खाते हुए। जिस पे वो भाई उसका समझ जाता है कि जो मर्जी कर लो कॉलेज तो ये जाएगी, और कहता है अच्छा ठीक है तू रेडी हो जाए मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ। अब पीहू खुश हो जाती है, पीहू का भाई खुद उसे कॉलेज ड्रॉप करने जाता है। उसके भाई की एक आदत थी जब तक पीहू कॉलेज के अंदर अच्छे से चली नहीं जाती वो वहीं पर वेट करता रहता है। यहाँ पीहू जो है वो अभी कॉलेज के गेट पे ही थी कि तभी एक लड़का उससे बात करने के लिए आ जाता है। अब ये देख के पीहू को भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हॉकी स्टिक जो कि उसी की बाइक पे लगी हुई थी वो उसे उतारता है और जल्दी से पीहू के पास से गुजर के उस लड़के को कॉलर पकड़ के उसे धक्का देता है, नीचे गिरा देता है। वो लड़का उठने ही वाला था कि तभी पीहू का भाई उसे हॉकी स्टिक से बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। पीहू मना करती है कि भाई प्लीज़ उसे छोड़ दो, वो तो बस मुझसे एड्रेस पूछ रहा था। जिस पर उसके भाई से पता पागल बना रखा है मुझे, हाँ पागल समझ रहा है, पूरी कॉलेज में एक तू ही रह गई थी जिससे उसने एड्रेस पूछना था, हाँ लड़के मर गए थे क्या एड्रेस पूछने के लिए। इतना बोल के वो
उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। तभी वहाँ साक्षी भी आ जाती है। जब साक्षी ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। ना जाने साक्षी को क्या हो जाता है। साक्षी गुस्से से पीयू के भाई को पकड़ती है और उन्हें धक्का देकर उस लड़के से दूर करती है। उस लड़के को उठाते हुए कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तो तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? पर उस बेचारे की तो पूरी बॉडी से ब्लड ही ब्लड निकल रहा था। यहाँ आरोही भी आ गई थी। पीयू बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। यहाँ पीयू बोलती, ये क्या कर रही है? ये पागल है क्या? भाई के सामने क्यों खड़ी हो गई है? आरोही बोलती है, यार साक्षी साक्षी स्टॉप इट। साक्षी बोलती, पागल हो गई है तुम? दिख नहीं रहा इसका कितना खून निकल रहा है? तो तुम सब पागल हो क्या? या तमाशा देख रहे हो? एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकते? यहाँ साक्षी फिर खुद ही एम्बुलेंस को कॉल करती है। जो उसने स्टोलर पहना हुआ था उसे तुरंत गले से उतारती है, उस लड़के के सर पे लगाती है। अब ये देख के पीयू के भाई को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि साक्षी उसकी मदद करने के चक्कर में भूल जाती है कि वो अपनी इज्जत उतार रही है, उसके सर पे लपेट रही है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग 2024 में भी रह के ना 90s की सोच रखते हैं। यहाँ पीयू का भाई भी सेम वैसा था। उसे पीयू की सरकत पे साक्षी की सरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है, जो उस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाती है। यहाँ आरोही साक्षी को बोलती है कि वो लोग ले गया ना हॉस्पिटल, तू क्यों पीछे जा रही है? साक्षी बोलती है, अगर उसे कुछ ज़रूरत हुआ तो तुम लोग अंदर इंसानियत नहीं है? हाँ, सारे मुंह उठा के देख रहे हो, छुड़वा नहीं सकते थे क्या? अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ ना, आई स्वेयर तुम सबको जेल के अंदर करवा दूंगी। इतना बोल के साक्षी जो है वो अपनी बाइक लेती है और वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ उस लड़की की ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी चोट लग गई थी, उसे 2-3 टांके वगैरह लगते हैं। डॉक्टर से साक्षी जब बात करती है तो डॉक्टर बोलते हैं, ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं, आप परेशान ना। अब ये देख के साक्षी थोड़ी रिलैक्स होती है। तभी वो लड़का जो होता है वो साक्षी के पास आता है, उसे थैंक यू बोलता है कि वहाँ बहुत से लोग थे, सब मुझे पिटते हुए देख रहे थे, कोई मेरी मदद करने नहीं आया, किसी ने एम्बुलेंस तक को नहीं बुलाया, सब आपने किया, मैं कैसे आपको धन्यवाद करूँ, मुझे समझ नहीं आता, थैंक यू सो मच। एंड तभी अब साक्षी उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, तुम क्या कर रहे थे? पीयू के साथ मिसबिहेव कर रहे थे? हाँ, वो तो नहीं, मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। साक्षी बोलती, फिर उसके भाई ने तुम्हें पीटा क्यों? इस पर कहते, मैं सच में बस एड्रेस पूछ रहा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लोग एड्रेस पूछने पे भी तो बुरी तरह से पीटते हैं। मैंने तो आज ही कॉलेज में एडमिशन लिया था और मती मारी गई थी, जो उस लड़की से मैंने रास्ता पूछ लिया। तभी वहाँ पीहू और आरोही भी आ जाते हैं। अब साक्षी गुस्से से पीहू की तरफ देखते हो कि तुम्हारे भाई खुद को समझते क्या है? हाँ, कहीं के डॉन है वो, राउडी है, जिस पे पीहू बोलती है वो सच में राउडी है। अब ये सुनते ही साक्षी उसे घूरने लगती है। आरोही बोलती है, और वो सच बोल रही है, उसके भाई सच में राउडी है। तभी देख खुद अपने भाई से इतना डरती है। साक्षी बोलती, व्हाट राउडी, आई मीन रेल वाले, जिस पे पीयू हार में सर हिला देती है। अब यहाँ साक्षी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए। तभी यहाँ आरोही बोलती है, चलो हॉस्पिटल में मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती, मेरे सर घूमने लगता है, प्लीज़ यहाँ से चलो बाहर निकल के बात करते हैं। अब ये तीनों एक कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं, जहाँ तीनों ही अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, लेकिन तीनों में से कोई पी ही नहीं रहा था। ये तीनों बस एक दूसरे के चेहरों की तरफ देख रहे थे। साक्षी बोलती, एक सेकेंड प्लीज़, ये मत कह देना कि पीहू तुम अपने दोनों भाई, आई मीन राउडी भाइयों के साथ घर में अकेली रहती हो। जिस पे पीहू हाँ में सर हिला देती है। आरोही बोलती, अब तुम्हें समझ आया कि हमेशा इतनी डरी हुई और सहमी हुई से क्यों रहती है? साक्षी बोलती, तो तुम अपने भाइयों को मना क्यों नहीं करती कि वो अपना राउडीपन बंद कर दें? लेकिन उसने सिर्फ एड्रेस पूछा था, इतनी सी बात पर उसे इतनी बुरी तरह से पीट लिया। अगर उसको कोई सीरियस इंजरी हो जाती, अगर भगवान ना करे उसकी जान चली जाती, फिर पीहू बोलती, पर वो ठीक है ना? साक्षी बोलती, आर यू मैं, हाँ मतलब रास्ता पूछने पे कोई किसी को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है? और मुझे लोगों की समझ नहीं आती जो वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। पीहू बोलती, साक्षी तुम लकी हो जो तुम्हें भाई ने कुछ नहीं कहा। अगर यहाँ कोई और होता ना तो वो भी हॉस्पिटल में उस लड़के के बेड के साथ वाले बेड पे एडमिट होता, समझी तुम? अब पीहू इतना बोल के वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी साक्षी बोलती है, इस लड़की की तो जबान ही नहीं चलती, पर मेरे सामने टर 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 उतनी, मेरे सामने इसमें इतना जिगरा कहाँ से आ जाता है? इतना जिगरा अगर भाइयों के सामने रख लेना तो इसके भाइयों की हिम्मत ही ना हो किसी पे हाथ उठाने की। और वही बोलती, बेचारी पीयू क्या ही कर सकती है? साक्षी बोलती, ओ हेलो, ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है, देखा ना कैसे जबान चलती है उसकी। रोई हंसने लगती है, सिर्फ दो लोगों के सामने तो उसकी जबान चलती है, एक तुम और एक मैं।
वैसे बहुत कम टाइम में भी वो तुम्हारे साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, वरना बहुत कम लोगों के आगे वो बोलती है। साक्षी बोलती इतना मैं भी नहीं चाहती थी वो मेरे साथ कंफर्टेबल होकर ज़बान चलाए मेरे आगे। जिस पर रोहित बोलती यार उसकी क्या गलती है, घर में वो किसी को कुछ बोल नहीं सकती, क्लास में वैसे सबसे डरती है, भाइयों के आगे जान उसकी जाती है तो किसके आगे बोले, हम दोनों के आगे तो बोलती है क्योंकि वो हम दोनों को फ्रेंड मानती है। साक्षी बोलती मैं और उसकी फ्रेंड, उसकी गलत फहमी है, मैं उस जैसे डरपोक लड़की के साथ ना कभी दोस्ती नहीं कर सकती। तभी और इशारा करती चुप हो जाओ। साक्षी बोलती क्या यहाँ क्यों इशारा कर रही हो ये। अरुपति अरे सुन सुन ले कि चुप हो जाओ। साक्षीपति हाँ तो सुन ले मैं डरती हूँ उससे। तभी पीयूष साक्षी के शोल्डर पे हाथ रखती है। साक्षी पीछे होती कहती हाँ सच में सुन लिया क्या। पीयूषपति हाँ सच में सुन लिया। साक्षीपति हाँ तो मैंने क्या गलत सुना बोला। हाँ मुझे ऐसी बिंदास लड़की तुम जैसे डरपोक लड़की से दोस्ती करेगी तो मेरी इमेज पे क्या होगा, तू तू और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। पीयूषपति मैडम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ आरोही और मेरे अलावा आपको कोई नहीं जानता, तो कहाँ की इमेज और किसके सामने बनी हुई है आपकी इमेज। तो अब साक्षी अपना सर खुजाने लगती है। तभी आरोही हंसते कहती यार पीहू तुमने तो उस बेचारी की बोलती ही बंद कर दी। हाँ अब जवाब दो ना साक्षी इसकी बातों का। साक्षी बोले मैं फजूल बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना क्योंकि मुझे तो जाना है। तभी अरे बोती हाँ जाना है जाना है, एक काम करते हैं हम तीनों जल्दी से कॉलेज चलते हैं। अब यहाँ साक्षी जो है वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है। अरोही कहती है चलो पियू बैठो। पियू बोती मैं नहीं बैठूँगी इसके साथ। साक्षी बोती मुझे भी कोई शौक नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी बाइक पे बिठाने भी नहीं वाली। तभी अरोही बोती अरे यार पियू प्लीज़ शांत हो जाओ और साक्षी तुम भी अपना मुँह बंद रखो ओके। देखो यार झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पहले लेट हो रहा है। अगर तुम लोग चाहते हो कि एटलीस्ट हम अपने दो लेक्चर्स ले लें तो प्लीज़ झगड़ा बंद करो, चुपचाप बाइक पे बैठ जाओ ताकि हम जल्दी से कॉलेज पहुँचे और अपने बाकी के लेक्चर्स लें। अब यहाँ पीयू बोलती हाँ ठीक है। अब यहाँ आरोही जो है वो बैठ जाती है बाइक पे, अभी तक पीयू नहीं बैठी थी। तभी आरोही बोलती क्या हुआ बैठो। पीयू बोलती मैं गिर जाऊँगी मुझे डर लगता है। साक्षी बोलती अरे यार भाई के साथ तो बाइक पे बैठ जाती हो, हाँ मेरे साथ क्या दिक्कत है तुम्हें। पीयू बोलती हाँ तो वो भाई है वो स्ट्रॉन्ग है तो तुम लड़की हो तुमने गिरा दिया। तो साक्षी बोलती इसकी तो तुम मुझे कमज़ोर बोल रही हो। देखो हाँ मैडम जेंडर के बेस पे ना मुझे जज मत करो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। देखा ना तुमने तुम्हारे भाई के आगे डट के खड़ी हो गई थी मैं, तुम्हारे भाई के आगे क्या ऐसे हज़ार राउडी भी आ जाए ना उनके सामने भी खड़ी हो जाऊँगी। पीयू बोलती हेलो वो मेरे भाई हैं, मेरे राउडी बोलना बंद करो। साक्षी बोलती मेरे राउडी ना बोलने से क्या वो सच में कोई शरीफ इंसान बन जाएंगे। नहीं ना तो बैठो चुपचाप ना तो मैं यहीं छोड़ के चले जाऊँगी। तो बेचारी पीहू कुछ सोचती है। तभी हरोई बोलती अरे यार पीहू छोड़ ना बैठ भी जाना। तो यहाँ पीहू बैठ जाती है और पीछे बैठ जाती है आरोही। यहाँ ये लोग एक बाइक पे तीन लोग बैठे थे। अब यहाँ साक्षी ड्राइव करती है, पहले ये लोग काफ़ी चिपक चिपक के बैठे थे। ये तभी आगे बहुत बड़ा सा हर्डल आ जाता है जहाँ सडनली साक्षी को ब्रेक लगाने पड़ती है, जिस पे अब पीहू की बॉडी साक्षी की बॉडी से पूरी तरह से टच होती है। यहाँ साक्षी को तो एकदम पसीने से आने लगते हैं, साक्षी घबराने लगती है। अब नीचे उतरो आरोही जल्दी से नीचे उतरो। अब आरोही नीचे उतर जाती है कि देखिए क्या हुआ। साक्षी बोलती एक काम करो तो तुम बीच में बैठ जाओ। जिस पे आरोही बोलती मैं बीच में बैठ जाऊँ क्यों क्या हुआ। कहती बहुत यू ना बैठ जाओ। पीयू बोलती मैं नहीं बैठूंगी अगर मैं गिर गई तो। साक्षी बोलती तो एक काम करो अगर इतने गिरने का डर खौफ है ना तुम इतने डर लग रहा है एक काम करो पीछे ऑटो आ रहा है तुम कोई भी ऑटो पकड़ के आ जाओ। हाँ साक्षी ये बात सुन के आरोही बोलती साक्षी यार तू फिर से अपना ड्रामा करने लगी। हाँ थोड़ी देर के लिए तुम अपनी लड़ाई साइड पर रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। और पीयू तुम बैठो बैठो तुम मैं देखती हूँ बाइक कैसे नहीं चलाती। अब पीयू फिर से बैठ जाती है और आरोही भी बैठ जाती है। अब बेचारी साक्षी उस बेचारी को मजबूरन बाइक चलाने पड़ती है पूरा टाइम। साक्षी की सांसें एकदम अटकती हुई आ रही, उसका गला मानो एकदम से सूख रहा था। जैसे ही कॉलेज आता है और पीहू बाइक से नीचे उतरती है साक्षी की सांस में सांस आते हैं। साक्षी गहरी सांस लेते हुए थैंक गॉड कॉलेज आ गया, ये कॉलेज इतना दूर क्यों है यार कितना टाइम लगा इसे आने में। ये पीहू इतना चिपकी के बैठी थी मेरे साथ, ऐसे क्यों लग रहा है मेरी सांसें अटक जाएंगी। तभी यहाँ
अरे कहते साक्षी साक्षी कहाँ खोई हुई हो, चलो हमें लेट हो रहा है। साक्षी होते हाँ हाँ चलो। और फिर ये दोनों क्लास में आ जाते हैं। ये तीनों ही लेट हो गए थे और यहाँ प्रोफेसर जो है वो बोर्ड पे कुछ लिख रही थी, तभी यहाँ पीहू परमिशन लेने लगती है। तभी साक्षी उसके मुँह पर हाथ रखती है, पकड़ो क्या इंसल्ट करवानी है, नहीं ना चुपचाप चलो अंदर। पीहू बोती पर ये बैड मैनर्स हैं। साक्षी बोती ओ हेलो अच्छाई की मूरत, चुपचाप चलो। और यहाँ ये तीनों चुपते चुपते क्लास में आ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तभी प्रोफेसर टर्न होती है और उनकी नज़र इन तीनों पे चली ही जाती है। प्रोफेसर बोलते तुम तीनों मेरी क्लास में कब आए, हाँ वो भी बिना परमिशन। अब पीहू बेचारी खड़ी हो जाती है, पीहू सॉरी करने वाली थी कि तभी यहाँ एक तरफ से आरुही पीहू का हाथ थाम लेती है तो दूसरी तरफ से साक्षी। जैसे ही पीहू साक्षी की तरफ देखती है, साक्षी आंखों से इशारा करती है, कहती है अरे मैम हम तो यहीं थे, जब से हम इस क्लास में आई हैं तब से हम यहीं थे। मैम होती अच्छा तो तुम लोग यहीं थे, फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। साक्षी बोलती मैम क्योंकि हम काफ़ी लास्ट में बैठे हैं इसलिए आपने हमें नहीं देखा, वो एक्चुअली अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा आगे बैठते हैं, आज हम पीछे बैठ गए इसलिए आपको लगा हम आए नहीं, पर मैंने सोचा कि कभी कभी पीछे भी बैठ के देखना चाहिए, है ना पीहू। एक्चुअली मैं मैम ये पीहू के सजेशन था। तभी मैम पीहू की तरफ देखती है, पीहू भी बेचारी हाँ में सर हिला देती है, जिस पर मैम बोलती है ठीक है बैठ जाओ। अब ये तीनों बैठ जाते हैं। पीहू बोलती तुम लोग की वजह से मैंने प्रोफेसर से झूठ बोला। वेल ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। पीहू अभी भी उस दुख में बैठ रही थी कि मैंने प्रोफेसर से झूठ बोला, जिस पर साक्षी बोलती ओ हेलो मैडम एक झूठ बोलने पर इतना गम बना रही हो, हमने तो पता नहीं आज तक अपनी लाइफ में कितनी बार झूठ बोला है, एंड सीरियसली हमें कभी झूठ बोल के बुरा नहीं लगा। पीहू बोलती हाँ क्योंकि तुम दोनों हो ही झूठी, पर मैं झूठी नहीं हूँ। साक्षी बोलती ओ हेलो अच्छा है कि मूर्त चुपचाप बैठी रहो, कहाँ जा रही हो मूड आगे। तभी पीहू बोलती वाशरूम जा रही हूँ, क्यों नहीं जा सकती क्या। साक्षी बोलती हाँ तो जाओ फिर बता क्यों रही हूँ हमें। पीहू बोलती आ जा रही हूँ मैं। अब पीहू वॉशरूम चली जाती है। पीहू से वॉशरूम में दी तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, पीहू पीछे होती है तभी एक लड़की उसके मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ दे मारती है। अब पीहू ये देख के अपने गाल को पीहू हाथ रखते कहते तुमने मुझे मारा क्यों। तभी वो लड़की एक और थप्पड़ दे मारती है। पीहू बोलती मुझे 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 मार क्यों रही हो। तभी वो लड़की एकदम से पीहू का कॉलर पकड़ लेती है, तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम्हारा भाई किसी पे भी हाथ उठा सकता है, वो खुद को समझता क्या है, कहीं का महाराजा है वो हाँ, और तुम बहुत सुंदर हो हुँ? तुमने खुद को क्या समझ रखा है, कहीं की प्रिंसेस हो, जो तुमसे कोई बात करेगा तो तुम्हारे भाई आके उसके हाथ पांव टांगे तोड़ देंगे। सुनो व्हाट तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोल के वो पीहू को एक और थप्पड़ मार देती है। यहाँ वो लड़की पीहू के काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है, पीहू को बहुत ज़्यादा थप्पड़ लगाती है। पीहू की तो वॉशरूम से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं थी, पीहू वॉशरूम में ही बैठी रोती रहती है। तभी वो रोई की थी अरे यार ये पीहू को गया हुआ इतना टाइम क्यों हो गया, मैं देख के आती हूँ। साक्षी बोलती तुम ठहरो मैं देख के आती हूँ। तभी यार वही बोती ओए होए तुझे बड़ी पीहू की फिक्र हो रही है हाँ। साक्षी बोती उसकी नहीं तेरी हो रही है, वो लड़की तुझे हमेशा मुसीबत में डालती है, इसलिए कह रही हूँ मैं देख के आती हूँ। अब यहाँ साक्षी वॉशरूम में आती है, तभी वो पीहू को देखती है जो वॉशरूम में यूँ नीचे बैठी थी और उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा हुआ था। साक्षी बोती छी वॉशरूम कितना गंदा है, तुम नीचे कैसे बैठ सकते हो, कितने जम्स होंगे यहाँ पे, उठो। इतना बोल के साक्षी पीहू का हाथ पकड़ती है। पीहू बोती आओ। साक्षी बोती क्या हुआ। तभी साक्षी पीहू के हाथ पे देखती है, पीहू के हाथ पे चोट लगी हुई थी जहाँ से ब्लड आ रहा था। साक्षी बोलती ये क्या हुआ तुम्हें, दिखाओ मुझे। अब जब साक्षी पीहू के हाथ को देख रही थी तभी साक्षी की नज़र पीहू के फेस की तरफ जाती है। पीहू के दोनों गाल लाल लाल हो रखे थे और वहाँ पे तो थप्पड़ का निशान तक जम रखा था। अब ये देख के साक्षी पीहू के फेस को होल कर देखती ये क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, किसने किया बताओ मुझे। पीहू रो रही थी। साक्षी पति गौर से रोना बंद करो, किसने किया नाम बताओ मुझे उसका। पर पीहू कुछ भी नहीं बोल रही थी। साक्षी पति ओके शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्या तुम ठीक हो, तुमने पम्प किया हाँ। उन तभी पीहू अपने दूसरे हाथ की मुट्ठियों खोलती है जिसमें पंप था, यानी कि उसने ऑलरेडी पंप ले लिया था और अपनी तबीयत सेट कर ली थी। यहाँ साक्षी पीहू को सीने से लगाती है और उसे यूँ अपनी बाहों में भर लेती है। यहाँ साक्षी जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सब लोग बस साक्षी को ही देख रहे थे क्योंकि साक्षी ने पीहू को अपनी बाहों में भरा हुआ था। वहाँ दूसरी तरफ आरोही वेट कर रही थी, अरे यार ये दोनों कहाँ रह गई थी, लगता है मुझे जाके देखना पड़ेगा। और एक क्लासरूम से बाहर निकलती है कि तभी वो साक्षी को देखती है और वो देखती है कि पीहू साक्षी के बाहों में है। अरे परेशान हो जाती है कि दी साक्षी ये क्या हुआ पीहू को, ये ठीक तो है ना। पर साक्षी ऐसे आंखों से इशारा करती है कि सब ठीक है टेंशन मत लो। ये लोग सीधा मेडिकल रूम में चले जाते हैं जहाँ ऑलरेडी एक डॉक्टर थी जो कि
पीहू के हाथ पे पट्टी करती है और पीहू के फेस के लिए आइस मंगवा दिया। यहाँ साक्षी खुद पीहू के फेस पे वो आइस लगा रही थी। यहाँ अरोही पीहू से पूछती है, पीहू क्या हुआ, कुछ बताओ मुझे। साक्षी इशारा करती है कि अभी कुछ भी मत पूछो, तो अरोही चुप हो जाती है। यहाँ साक्षी मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साक्षी ने दीवार के साथ सर लगाती और आंखें बंद कर दिया। उसे पीहू का रोता हुआ चेहरा, पीहू की वो हाथ की चोट और पीहू के फेस पे लगे हुए वो हाथों की छाप, वो सब दिखती है और साक्षी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। साक्षी जोर से दीवार में अपना हाथ दे मारती है, तभी और ये आ जाती है कि पागल हो गया। हाँ वहाँ उसे चोट लगी और यहाँ तुम भी खुद को जख्मी करने पर तुले, ये सब हो क्या रहा है और पीहू के साथ क्या हुआ, ये किसने किया, क्या मुझे कुछ बताओगी कि उसके भाई ने तुम्हारा गुस्सा उस पर तो नहीं उतार दिया। अब ये सुन के साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, अगर ये पीहू के भाई ने किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कहती है, मुझे पता है ये किसने किया है। साक्षी उस लड़की को देखते हुए कहती, किसने किया है ये, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी अरोही साक्षी को बताती, तुम शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। अब अरोही साक्षी को साइड करके खुद सामने आती है और कहती, डरो मत, मुझे बताओ ये किसने किया है। तभी वो लड़की जो है वो अपना मोबाइल निकालती है, एक्चुअली में उसने चुपके वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि वो भी उस टाइम वॉशरूम में थी। अब वीडियो जैसे प्ले होती है उसमें पीहू के रोने की आवाज़ से साक्षी तुरंत मोबाइल ले लेती है रोही के हाथ से और वो वीडियो अपने हाथ से देखती है जिसमें वो लड़की पीहू को बहुत बुरी तरह से मार रही थी और उसे कह रही थी, तुम्हारा भाई खुद को समझता क्या है, हाँ वो राउडी है कि तुम कहीं की प्रिंसेस हो, कि अगर कोई लड़का तुमसे बात करेगा तो उसके हाथ पैर टांगे तोड़ देंगे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको और तुम खुद को बहुत खूबसूरत समझती हो ना, तुम्हारी खूबसूरती मैं बर्बाद करके रख दूंगी। अब ये साहब कुछ साक्षी अपने आंखों से देख रही थी जिस पर साक्षी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और साक्षी वो मोबाइल उस लड़की का मुंह वापस देने के बजाय गुस्से से तोड़ देती है, जिस पर आरोही कहती पागल हो गई, उसका मोबाइल था। जिस पर साक्षी गुस्से से अरोही को देखती है, साक्षी की आंखें एकदम गुस्से से रेड रेड हो चुकी थी। यहाँ अरोही भाग के मेडिकल रूम में आती है पीहू के पास, पीहू के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ जान के अरोही को बहुत बुरा लगा था। अरोही पीहू को हक कर लेती, कहती शांत हो जाओ, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पीहू अरोही को हक करती और ज़ोर से रोने लगती है, कहती पर हमेशा मुझे ही क्यों भुगतना पड़ता है, हमेशा भाई गलती करते और उसकी सजा मुझे मिलती है, क्या मेरी गलती है कि मैं उस घर में जन्म ली, क्या मेरी गलती है कि वो दोनों मेरे भाई है, वो रावड़ी है बट मैं तो नहीं हूँ ना, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा वो किसी को हर्ट करते हैं, हमेशा गुनाह वो करते हैं, उसके उनके गुनाहों की सजा मुझे मिलती है, बचपन से लेके आज तक उनके हर गुनाह की सजा मुझे मिली है, चोरी वो करते थे और मार मैं खाती थी, लोगों को पीटते वो थे और बदले में तत्काल मुझे मिलती थी, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। यू नो लड़कियां बहुत खुशी होती हैं, उन्हें अपने भाइयों पे मान होता है, पर एक मैं हूँ जो उनकी वजह से हमेशा शर्मसार होती हूँ, मैं कभी कभी बता नहीं पाती कि वो दोनों मेरे भाई हैं। वो लड़की गलत नहीं थी अरोही, वो लड़की गलत नहीं थी, गलत मेरे भाई है, अगर वो ऐसे किसी को नहीं मारते तो वो लड़की मुझे नहीं मारती ना, पर इस पर मेरी भी तो गलती नहीं थी अरोही, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा था। यार भाई सही कहते हैं, मुझे कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए, मुझे घर रहना चाहिए, अब से मैं कॉलेज कभी नहीं आऊँगी, कॉलेज नहीं आऊँगी, मैं कॉलेज जाऊँगी तो प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए मैं खुद को घर में कैद कर लूँगी, मैं कभी कॉलेज नहीं आऊँगी। और यहाँ साक्षी पीहू की सारी बातें सुन रही थी, साक्षी को दिल से पीहू के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, सिंपथी टाइप सी आ रही होती है उसे। तभी यहाँ साक्षी मेडिकल रूम में आती है, कहती अरे यार तुम कॉलेज नहीं आओगी तो मेरे कॉलेज आने का क्या ही फ़ायदा, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से तो मैं कॉलेज आती हूँ, क्योंकि तुम ही तो मेरी कॉम्पिटिटर, तुम ही बैक ऑफ कर जाओगी तो मेरा फिर टॉप करने का क्या ही फ़ायदा, कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा ना। जिस पर भी वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो मुझे हराना चाहती थी ना, मिल गई तुम्हें जीत, अच्छे तुम्हारी कॉम्पिटिटर नहीं रही। पीहू ये बोल के जाने लगते कि इतने में ही अरोही पीहू को रोकती है, कहती पीहू बचपना मत करो, तुम्हारा सपना है एक, तुम्हें डिग्री चाहिए, तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो तुम जज्बाती फैसला करियो, शांत हो जाओ, सब सब ठीक हो जाएगा।
युवती कुछ ठीक नहीं होगा। मैं रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हूँ। मुझसे अब और खून खराबा नहीं होता यार, मुझसे अब और खून खराबा बर्दाश्त नहीं होता। वो इतना बोल के घर के लिए आज अकेली ही निकल पड़ती है। यह शायद आज फर्स्ट टाइम था जब फ्यू घर अकेली जा रही थी, इसलिए अरोही को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अरोही साक्षी के सामने बोल रही थी, यार आज फ्यू घर में पहली बार अकेली गई है घर, जो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कैसी होगी, ऊपर से वो बहुत हर्ट है। कभी कभी मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, पता नहीं क्यों, इतनी मासूम क्यों है। साक्षी बोती, वो मासूम नहीं, वो टफर है, एक नंबर की स्टूपिड है और कुछ नहीं। अरोही बोती, प्लीज़ तुम उसके बारे में ये वर्ड्स यूज़ करना बंद करो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब उसके बारे में कोई भी कुछ बोले। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। साक्षी बोती, अच्छा तो मैं क्या हूँ? हाँ बोलो, मैं क्या हूँ अगर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो? जिस पर कहती है, हाँ तुम भी बेस्ट फ्रेंड हो पर वो भी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स आपस में झगड़ा नहीं करें बल्कि एक दूसरे के साथ बेस्ट बडीज बन जाए, जैसे कि मैं हूँ यार तुम लोग की बेस्ट बडी। साक्षी बोलती, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। अरोही बोलती, अच्छा तो वो सब क्या था जो मैंने देखा, जैसे कि तुम्हारा प्यू के लिए फिक्रमंद होना, उसे अपनी बाहों में भर के मेडिकल रूम तक लाना, उसकी चिंता करना एंड ऑल? जिस पर साक्षी बोलती, व्हाट रबिश, मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। और अरोही बोलती, ओ कम ऑन यार, तुम किससे झूठ बोल रही हो, मुझसे या फिर खुद से? तुम भी जानती हो कि तुम्हें प्यू पसंद है, राइट? साक्षी बोलती, व्हाट, नहीं मुझे मुझे प्यू पसंद नहीं है। अरोही बोलती, पता है जब तुमने मुझे बोला था कि तुम एक लड़की को ढूंढ रही हो, मुझे लगा था कि शायद तुम उस लड़की को पसंद करती होगी, पर अब तो मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर रही हो, मुझे समझ नहीं पा रही तुम्हें वो लड़की पसंद है या फिर प्यू, तुम्हारा क्रश कौन है, वो लड़की या फिर प्यू? जिस पर साक्षी बोलती, बकवास बंद रखो, मेरा कोई क्रश नहीं है, मैं कल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर अरोही बोलती, ओ कम ऑन यार, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ एंड इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है यार, अगर तुम्हें गर्ल्स पसंद भी हैं तो। साक्षी बोलती, मैंने बोला शट योर माउथ। जिस पर अरोही बोलती, मेरा मुँह तो बंद करवा पाओगी पर ये जो तुम्हारे मन में जो फीलिंग्स चल रही है इन्हें रोक पाओगी, खुद पर काबू कर पाओगी? तुम्हें पता है ना कि वो अपनी बात की पक्की है, उसने खुली छोड़ दिया, अब तुम कभी ना उसे देख पाओगे ना फिर उससे बात कर पाओगे। वेरी बैड, तुम्हारा क्रश तुमसे काफ़ी दूर चला गया है, इसलिए कहते हैं मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए, शायद वो तुम्हारे साथ होती। एनीवे प्यार में तुम शुरू से ही लगी थी, ना वो लड़की तुम्हें मिली और ना ही पीहू तुम्हें मिलेगी। अब इतना बोल के अरोही वहाँ से चली जाती है। साक्षी के दिमाग में अरोही ही बातें बार बार घूमने लगती है। साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। साक्षी को होती है कि अरोही पागल हो गई है, कि कुछ भी बकवास कर रही है, ये खुद को समझती क्या है, और इसे किसने कह दिया कि मुझे पीहू पसंद है, मुझे पीहू नहीं पसंद, मुझे पीहू नहीं पसंद, ओह इसे कैसे पता चला कि मुझे प्यू पसंद है, कि मैं इतनी बुरी हूँ फीलिंग्स छुपाने में। और यहाँ साक्षी खुद कन्फेस कर देती है कि उसे प्यू पसंद है। ओह माय गॉड यार, ये कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे उसने अब तक अपनी फीलिंग्स को छुपाया? लेकिन ये मानना पड़ेगा यार, और ये बहुत तेज है, उसे कैसे पता चल गया कि साक्षी पीहू के लिए क्या फील करती है? वह अब दिक्कत की बात तो यही थी, पीहू को ले छोड़ चुकी थी। साक्षी के पास पीहू को देखने का, उससे मिलने का और कोई चारा भी नहीं था, अब वो क्या करे, यही मेन चीज़ थी। अब यहाँ शाम हो जाती है। शाम के सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि साक्षी और अरोही दोनों अरोही के बेडरूम में बेड पे बैठे हैं, पर ये दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तभी साक्षी कुछ बोलने वाली होती है पर वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी। अरोही बोलती, तुम यही कहने वाली हो ना कि अब तुम पीहू को कैसे देखोगी? हाँ साक्षी बोलती, नहीं मैं ये नहीं कहने वाली थी। जिस पे अरोही बोलती है, अभी तुम्हारे पास एक मौका है, आज रात को एक बहुत बड़ी पूजा है मंदिर में, और अरोही कहती है कि पीहू ये पूजा कभी मिस नहीं करती, वो हर साल ये पूजा अटेंड ज़रूर करती है एंड आई एम डैम श्योर वो आज भी पूजा अटेंड करने ज़रूर आएगी। तुम्हारे पास बस यही मौका है, पीहू से मिलो और उसे समझाओ कि कॉलेज छोड़ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और अगर तुम उसे नहीं समझा पाए तो शायद तुम्हें अपने इस क्रश को भी भुलाना होगा, अपनी पहली वाली क्रश की तरह। अब यह सुन के साक्षी को बहुत गुस्सा आ जाता है, कि तुम अपना मुँह बंद रखोगी, जो तुम्हारे मन में आता है नाप शराप बोलती जा रही हो,
बहुत बोलने लगी हो। रोही मुस्कुराती है और कहती है, बोलती तो पीहू भी है ना तुम्हारे सामने, पर उसका बोलना तो तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता। इट्स मीन यू आर इन लव विद हर। ओ माय गॉड, मेरी दोस्त को प्यार हो गया, मतलब सिचुएशन क्रश से काफ़ी आगे गई है। साक्षी बोलती, जस्ट शट योर माउथ, तुम बहुत ही चिट कर रही हो मुझे। अरे बोलती, एक तो तुम्हारी रासलीला पूरी कर रही हूँ, ऊपर से सही है भाई, रासलीला भी तुम जाओ और आगे से इरिटेट भी मैं कर रही हूँ, ठीक है बाय, अब अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर देना। और हाँ, मुझसे मत पूछना कि कौन से मंदिर में पूजा है। जिस पे साक्षी बोलती है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुमसे पूछूंगी, गली गली के हर बच्चे को पता होगा पूजा कहाँ हो रही है, उनसे पूछ लूँगी। जिस पे अरे बोलती, मतलब तुम जा रही हो अपनी क्रश से मिलने, ओ सॉरी 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 माय मिस्टेक, हाँ अपनी लवर से मिलने के लिए। जिस पे साक्षी बोलती, जस्ट शट अप। अरे बोलती, ओके ओके फाइन, वैसे भी मैं जा रही हूँ मम्मा के पास। अब यहाँ साक्षी जल्दी से अपने कपड़े निकालती है, वो सोचते हैं कि क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। और फिर कहती, अरे मैं तो बंधन के क्यों जा रही हूँ, मैं उसका रिश्ता लेने थोड़ी जा रही हूँ। और फिर ये बोल के साक्षी खुद हंस पड़ती कि मुझे हो क्या गया, ये अरोही ने ना मेरा सच में दिमाग ख़राब कर दिया। अब यहाँ साक्षी जो है वही ड्रेस निकालती है, एक्चुअली में ये कमीज शलवार था जो कि अभी तक साक्षी को हमने पहने हुए कभी नहीं देखा। साक्षी वेस्टर्न ड्रेसेस ही करती थी, अब वो देसी ड्रेस पहनती है, शलवी मतलब कमीज शलवार दुपट्टा वो अच्छे से करती है। एंड उसके पैरों में एक गुस्सा था क्योंकि साक्षी की हाइट अच्छी खासी थी, तो वो हील्स वगैरह वेयर नहीं करती, सिंपल गुस्सा पहनती। अब वो पहने के बाद साक्षी जो है वो अपनी ही बाइक चलाती है। यार क्या पटोला लग रही थी देसी ड्रेसेस में, यूं हैवी बाइक चलाते, बूम बूम बूम, जहाँ से साक्षी की बाइक गुजरती है ना, जिस गली से भी, गली के सारे लोग साक्षी को ही देखने लगते हैं। तभी यहाँ साक्षी जो है वो एक मंदिर के पास जाके अपनी बाइक लगाती है, और वो जब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है तो सारे लोग साक्षी को ही देख रहे थे। सब कहते, यार कितनी बिंदास लड़की है ना, बाइक पे आई है, कितनी कमाल है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ साक्षी की नज़र पीहू पे जाती है, पीहू नीचे बैठी प्रार्थना कर रही थी। अब साक्षी सर पे दुपट्टा किए पीहू के बिल्कुल पास जाके बैठ जाती है, और वह कहती है कि बेटा, तकलीफ़ों से भागना, मुश्किलों से भागना कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें उसे तलाश करना होगा। अब यूँ आँखें खोलती हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी बोलती, मंदिर आई हूँ। मंदिर आना क्या मना है क्या, मतलब तुम्हारा खुद का मंदिर है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता? हाँ भगवान जी तो सबके हैं ना, उनकी पूजा करने के लिए कोई भी आ सकता है, तो बस मैं भी आ गई। तभी यहाँ पीहू साक्षी की ड्रेसिंग को देखते और बस देखती रह जाती है। साक्षी बताइए, क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? देखो मेरे पे नियत ख़राब मत कर लेना, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। हम ये सुनते ही पीहू हंसने लगती है और कहती है, मजाक कर रही हो? साक्षी बताइए, क्यों, बहुत बकवास मजाक था क्या? जिस पर पीहू बताइए, कभी मजाक करते मैंने देखा ना आपको? साक्षी बताइए, हाँ वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पीहू बोलती, क्या मैं? साक्षी बोलती, हाँ उनके लाल लाल गाल बहुत सूट कर रहे हैं धूप पे। जिस पे पीहू तुरंत अपने गालों को अपने हाथ से छुपाने लगती है। साक्षी थोड़ा हंसती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें तंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लाइक बहुत ज़्यादा। तभी यहाँ पीहू उठ के जाने लगती है, तो साक्षी उसका हाथ थामती है और कहती है, अरे आरती के बगैर जा रही हो, चलो साथ में आरती कहते हैं। जिस पे यहाँ साक्षी पीहू का हाथ पकड़ के उसे लेके जाती है पंडित जी के पास। पंडित जी से बोलते हैं कि हमने आरती करनी है, पंडित जी ने आरती करने देते हैं, ये दोनों साथ में आरती कर रहे थे। यहाँ आरती करते हुए साक्षी जो है वो बस पीहू को देख रही थी, नज़रें चुरा चुरा के। यहाँ पीहू एक दफ़ा देख लेती है कि साक्षी उसे देख रही है, पर पीहू उसे इग्नोर कर दिया। पूजा ख़त्म होते ही यहाँ पीहू मंदिर से बाहर जाने लगती है, तभी साक्षी उसका हाथ होल्ड करती है। पीहू बोलती, ये क्या बदतमीजी है? साक्षी बोलती, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, ये सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है। पीहू बोलती है, प्लीज़ मुझे कुछ बात नहीं करनी, एंड हाँ वैसे भी आप तो खुश होगी ना, आज के बाद आपको मुझे झेलना नहीं पड़ेगा, राइट? साक्षी बोलती, मेरी एक बार बात तो सुन लो, मैं सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। पीहू बोलती, मैंने बोला ना मुझे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी आपके और मेरे बीच है ही क्या, एक दोस्ती तक नहीं है, राइट? साक्षी बोलती, हाँ दोस्ती नहीं है क्योंकि दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। अब ये सुनते ही पीहू साक्षी को घूरने लगती है।
यहाँ साक्षी के मन में बहुत सी बातें चल रही थी, पर वो क्या थी ये तो हमें आगे जाने को मिलेगा। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। गाइस, अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो को कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा आपको। आप लोग को क्या लगता है कि साक्षी अब क्या करेगी, क्या वो यहीं पर बता देगी पीहू को कि वो उसके बारे में क्या फील करती है, क्या सच में साक्षी पीहू के बारे में कुछ फील करती है, या फिर यह रोई की मनगढ़ंत कहानियाँ थी। लेकिन अगर ऐसा था तो साक्षी को पीहू की इतनी फिक्र क्यों थी, साक्षी इस टाइम पीहू के लिए मंदिर क्यों आई थी। पहले अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। आप लोग को क्या लगता है कि इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड, ये अभी कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।